नमस्कार। दिल्ली में उस वक्त जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद थे, हिंसा होती है और उसके बाद सरकार की तरफ से जो एक बड़ा कदम दिखता है वो ये दिखता है कि दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर की नियुक्ति होती है। और उससे पहले उस कमिश्नर को यानी एस एन श्रीवास्तव को कुछ रोज़ पहले स्पेशल आयुक्त बनाकर दिल्ली लाया जाता है। कश्मीर में तैनात थे, CRPF में ट्रेनिंग दे रहे थे, वहाँ से तैनात थे। कश्मीर से उस ऑफिसर को दिल्ली क्यों लाया गया, उसको कश्मीर क्यों भेजा गया था? क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी कैडर होता है जिसमें जो ऑफिसर्स तैनात होते हैं उसके तहत अरुणाचल और जो मिजोरम है और कई यूनियन टेरिटरीज़ हैं उन सब में इन ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है। और वहीं एस एन श्रीवास्तव की 1985 में नियुक्ति हुई थी। दिल्ली में स्पेशल सेल में विशेष आयुक्त के पद पर तैनात थे। 2016 में उन्हें ख़ास तौर पर कश्मीर भेजा जाता है और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर हिंसा ज़रूरत से ज़्यादा भड़क रही थी। हिजबुल मुजाहिदीन का उन्हें एक्सपर्ट माना जाता है। ऑपरेशन ऑल आउट वहाँ पर सेना चलाती है CRPF के दम पर, और उस ऑल आउट में बड़े बड़े आतंकवादी गिरा दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, सफाया कर दिया जाता है। हिजबुल मुजाहिदीन को ख़त्म करने का क्रेडिट इनको दिया जाता है। और बुरहान वानी जो मारा गया था उसी वक्त में मारा गया था, उस वक्त हाफिज़ सईद का भतीजा हो और भी कई बड़े नाम हों जिन्होंने वहाँ पर हिजबुल के कमांडर की कमान संभाली, उन सबको वहाँ पर नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। कैंप ध्वस्त किए जाते हैं, उनमें एस एन श्रीवास्तव का नाम आता है। एस एन श्रीवास्तव मुखिया थे, उनको अब दिल्ली बुलाया गया तो खास वजह क्या है? मैं आपको उनके बारे में एक और दिलचस्प बात बता दूं। जब स्पेशल सेल में तैनात थे दिल्ली में, तब जो IPL बैटिंग रैकेट था उसका खुलासा करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। अंडरवर्ड्स उसके तार जुड़े हुए थे और ऐसे में अब उनको दिल्ली बुलाया गया तो उसकी एक बड़ी वजह ये है, हिजबुल मुजाहिदीन का उन्हें एक्सपर्ट माना जाता है। और कहीं ना कहीं सरकार इस बात की जांच कर रही है कि जो CAA के प्रोटेस्ट के नाम पर पहले शाहीन बाग और फिर जाफराबाद में, और जिस तरह से ट्रंप का आगमन उससे जुड़ा है, उसी वक्त ये सब किया गया, सड़क घेरी गई और फिर सुनियोजित ढंग से हिंसा की जाती है, इसके तार आखिर बाहर कहाँ जुड़े हुए हैं? कौन है जो मुस्लिम युवाओं को भड़का रहा है और ख़ास तौर पर हिंसा की तरफ? क्योंकि जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो प्रोटेस्ट हिंसा में कैसे बदलता है, इसको जानने के लिए स्पेशल तौर पर, क्योंकि मुस्लिम युवाओं के बीच काम करने का काफ़ी अनुभव है एस एन श्रीवास्तव को, उनको दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाकर यहाँ लाया जाता है। और इसलिए भी लाया जाता है कि उन्हें इसकी सबकी समझ है, जबकि 2021 में उनका कार्यकाल CRPF का सब खत्म होना था, उससे पहले उसे बीच में ही रोक के स्पेशल तौर पर उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है, 4 दिन के लिए विशेष आयुक्त बनाया जाता है और उसके बाद वो अब कमिश्नर की कमान संभाल चुके। और आप देख रहे हैं 4-5 दिन से वो एक्टिव हैं और हिंसा फौरन उनके आते ही कम हो गई है, ख़त्म हो गई है। अलग बात है कि उसके लिए अजीत डोभाल भी चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एस एन श्रीवास्तव एक नाम है जिस पर भरोसा है सरकार को कि वो जो तत्व हैं, क्योंकि अभी सामने आ रहा है कि ढेर सारे क्रिमिनल तत्व भी हैं जो इस हिंसा के पीछे जिम्मेदार हैं, इस दंगे के पीछे जिम्मेदार हैं। और उम्मीद की जा रही है कि एस एन श्रीवास्तव उनको सलाखों के पीछे पहुँचाएंगे। अब उनके पास 3 बड़े काम हैं, इस हिंसा के तार जोड़ना, उस शाहरुख पठान को गिरफ्तार करना कि कैसे अभी तक वो गिरफ्त से बाहर है जिसने पिस्तौल लहराई थी, तीसरा दिल्ली हाई कोर्ट के जज मुरलीधर ने जो बयान दिया था, जो ऑर्डर दिया था कि इनके बयानों की जांच की जाए, कपिल मिश्रा जैसे नेताओं की, बीजेपी नेताओं की, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट को जवाब देना है, उस पर दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना है। और ये बड़े 3 काम हैं उनके पास, उम्मीद है कि वो जल्दी ही सबसे निपटेंगे। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। थैंक यू, नमस्कार।